सर लंच टाइम हो गया है, खाना खा लीजिए। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। वीरेन, लंच टाइम पर कर लेना वरना हम नाराज हो जाएंगे आपसे। हम अगर आपको याद ना दिलाएं तो आपको तो खाने की सुध भी नहीं रहती। तुम होना याद दिलाने के लिए। अच्छा जी, चलिए चलिए जल्दी से अपना लंच फिनिश करिए, फ्लर्ट बाद में करना। और हाँ, आपने मिस्टी के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का टाइम कंफर्म किया? अभी करता हूँ नीलू। हेलो डॉक्टर वीरेन। हाय। हाँ सब ठीक है, थैंक्स। वो आप आज शाम को आ रहे हैं ना मिस्टी के चेकअप के लिए? डॉक्टर वीरेन, अभी मिसेस रॉय का फोन आया था, उन्हें शाम को कुछ जरूरी काम था इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट का टाइम चेंज करवा दिया। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, मैं बाद में बात करता हूँ उसे। हेलो बाबा, वो मिस्टी और मयंक कहाँ हैं? बेटा वो दोनों आभा के साथ मार्केट गए। ओके बाबा, मैं जानता हूँ आप कहाँ गई होगी मिसेस प्रसाद। आप देखते हैं लता ठाकुर, कौन बचाता है तुम्हें। माननीय मंत्री जी और आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। जगमोहन प्रसाद जी ने इस समाज के लिए काफी कुछ किया है। वो शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए काफी संस्थानों में काम करते थे। उनकी क्षति हमेशा हमें खलेगी। आज का सम्मान समारोह श्रद्धांजलि हमारे तरफ से उस कर्मठ इंसान को। अच्छा हुआ हम आभा से पहले पहुंच गए। जी आप लोग कौन है? अरे हम फैमिली है, वो जगमोहन प्रसाद जी है ना जिनका सम्मान है उनकी फैमिली। चलो चलो। देखा तुमने प्रियंका, अब वह पहले ही आकर सबसे आगे जाकर बैठ गई ताकि जब नाम पुकारा जाए ना तो तुझसे पहले जाकर सम्मान ले सके। मगर तुम पीछे मत हटना, हाँ मैं हूं, वो 10 लाख हमारे पास ही आने चाहिए। पापा हाँ करण, पापा हमने आपको बताया था ना पापा का सम्मान करने वाले। आपके वकील पापा पेपर में थे। पेपर वाले। मैं अनुरोध करूंगा जगमोहन प्रसाद जी की बहू को कि वो मंच पे आए और मंत्री जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करें। मिष्टी ताली बजा, आज परी के पापा का सम्मान हो रहा है, उन्हें अवार्ड मिल रहा है।
हम आभारी हैं आप सबके जो आपने हमारे पिता समान ससुर को इस समारोह में सम्मानित किया, पर इसके असली हकदार हमारे परिवार की बड़ी बहू, हमारी भाभी प्रियंका वीर प्रसाद हैं। हम अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आए और पिताजी की ओर से सम्मान ग्रहण करें। जगमोहन प्रसाद जी की फैमिली से? चाहिए भाभी, इस पर आपका हक है। अच्छी है, सबको आप जैसा ही होना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी तरह ही अच्छा बनूं। ओके। सब लोग कैसे हैं? शैली भाभी, माँ, माँ की तबीयत कैसी है? अगर इतनी फिक्र होती ना घर वालों की, तो अपने दूसरे पति के साथ यूँ सुहागरात न मनाती फिरती, समझी? चलिए माँ, हमें बहुत से काम। बहुत देर हो गई, मिष्टी के अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना डॉक्टर रॉय नाराज हो जाएंगे।